Dil Se Dil Tak, a patient awareness talk show for the healthy heart. This is Dr. Indranil, your host for the evening. Now, heart disease is on the rise in India. In this aspect, I think we are 10 years ahead of the West when it comes to development of the heart disease. In India, we have a very surprising fact. One patient is dying every 33 seconds of a heart attack. That is a very gory number. So what we're going to discuss today is that why this heart disease is becoming more in India. What are the steps that we can take to prevent it? And for that, we have a panel of eminent cardiologists from all across Indore. This particular talk show is an initiative taken by IPCA Laboratories from Mumbai. Today, we have chosen Indore as the city where we are rolling out this talk show. Now, let us see why this is happening, especially in Indore. Indore is one of the fastest developing cities in India, and the heart disease are on the rise in this city. Let's see a clip why this is happening in Indore. मध्य प्रदेश भारत का दिल है और इंदौर उसकी धड़कन। इंदौर में व्यापार और शिक्षा का अद्भुत संगम है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ एवं एकमात्र शहर है जहां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर दोनों स्थापित है। इंदौर के नमकीन विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ की 56 दुकान एक प्रमुख खाद्य जंक्शन है। बदलते इंदौर में बदलते भारत की झलक मिलती है जहाँ जीवन की जद्दोजहद और चटपटा खान पान हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है। इसीलिए 1% इंदौरी युवा आज दिल की बीमारियों से ग्रसित है जो आज के भारत का प्रतिबिंब भी है। So, when we talk of heart disease, we all talk of prevention exercise. But do we really practice what we teach? We have somebody, an eminent cardiologist from across India, who actually practices that. Let's see a clip of this cardiologist. एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष लोगों को हृदय रोगों से मुक्त करने के लिए समर्पित कर दिए हैं और जो न केवल स्वस्थ जीवन स्वस्थ दिल की बात करते हैं बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका सतत पालन भी करते हैं। मिलिए डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी से, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एट मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर से, जिन्होंने देश के प्रसिद्ध LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ऑफ GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से DM इन कार्डियोलॉजी की है और जिन्हें देश विदेश के नामी संस्थानों ने समय समय पर सम्मानित किया है और जो न केवल भारत के मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं, बल्कि विदेशों में भी कई प्रसिद्ध हार्ट एसोसिएशन जैसे कि यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ पर्कुटेनियस इंटरवेंशन और इंडो फ्रेंच इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फाउंडेशन के आजीवन सदस्य हैं। आइए डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी से जानें कि स्वस्थ हृदय एवं तंदुरुस्त जीवन पाने का क्या मंत्र है। दिल से दिल तक इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हमें स्वयं अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप से एक प्रॉमिस करना चाहिए। हम यदि हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, यानी कि हमारी एक्सरसाइज रेगुलर हो, हम एक संतुलित और स्वच्छ आहार का उपयोग करें और हमारी जो दैनिक जीवन की आदतें हैं, जैसे तंबाकू का सेवन करना है, स्मोकिंग करना है, जंक फूड खाना है, यदि इन सब चीज़ों में संयम बरतेंगे तो यह एक तरह का प्रॉमिस हम अपने हार्ट से कर रहे हैं कि हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें अपने दिल से दिल तक यदि पहुंचना है तो अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है और उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करना ज़रूरी है। और चूँकि यह कार्यक्रम सितंबर महीने में हो रहा है जो वर्ल्ड हार्ट डे के लिए फेमस है, 29 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड हार्ट डे का
मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी लोगों में, आम लोगों में हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रोपोगेट करना, जिससे हमारा हार्ट स्वस्थ रहे। और इस साल का जो वर्ल्ड हार्ट डे का लोगो है वो भी यही है कि प्रॉमिस फॉर हेल्दी हार्ट। तो हमें स्वयं को अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए खुद से एक वादा, खुद से एक प्रॉमिस करना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। वेलकम सर टू द स्टेज। आई मीन सर, फर्स्ट थिंग, आई मीन योर एक्सरसाइज रेजिम इज ऑलमोस्ट आई वाज सेइंग लाइक अ इंडियन क्रिकेट टीम, सो यंगस्टर्स शुड फॉलो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। And secondly, we can see the cardiovascular disease is on the rise in India. And most alarming is that in the 30s, in the 40s, more of the patients are coming. So what is the reason for that? Okay, namaste and good evening to all my viewers. As you have rightly said, that there is a rise in the detection and incidence of coronary artery disease, particularly in the young people of this country. Or मेरा ये मानना है कि यंग लोग जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अनभिज्ञ है, ऐसा मुझे लगता है। लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली, यह एक हेल्दी जीवन शैली हमारे जीवन में बड़ी आवश्यक है। और कुछ जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब कंट्रीज आती हैं, ऐसा देखा गया है कि वी आर जेनेटिकली ससेप्टेबल टू गेट कोरोनरी आर्टरी डिजीज एट ए यंगर एज। जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, हम 10 इयर्स यंगर एज जो है वो एशियन पॉपुलेशन या इंडियन पॉपुलेशन की है जो हार्ट अटैक या हृदय रोग से पीड़ित है। तो इस बारे में हमें यह सावधानी रखना है कि जेनेटिक्स तो हम अपनी बदल नहीं सकते, लेकिन अपने लाइफस्टाइल के चेंज से हम यह चीज अचीव कर सकते हैं कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रखें। रिसेंटली यूएनओ का एक ऑडिट हुआ है जिसमें यह सब बात सामने आई है कि इंडिया उन देशों में है जहां पर लोग आलसी हैं, यानी हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। तो यह एक मुख्य कारण मुझे लगता है। इसके अलावा तंबाकू का सेवन हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली विलेजेस में। इवन जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर लेडीज़ भी तंबाकू का सेवन ज़्यादा करती हैं। और आई एम सॉरी टू से, बट इवन इन द हाई सोसाइटी द यूज़ ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको अमंग लेडीज़ इज इंक्रीजिंग। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में इंसिडेंस जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, हार्ट अटैक का, बढ़ रहा है। हमें इन सब से बचना चाहिए। इसके अलावा जो जंक फूड है, हम मैकडोनल्ड की बात करते हैं जो एक विदेशी चीज़ है, वेस्टर्न कल्चर वाली चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ के कल्चर में भी जो इंडियन जंक फूड है वो बड़ा नुकसानदायक हो सकता है हमारे शरीर के लिए, हमारे हार्ट के लिए। तो हमारा जो उद्देश्य है कहने का वो यह है कि ऐसा नहीं कि आप एकदम साधु जैसा जीवन व्यतीत करने लग जाए, लेकिन हर चीज़ जो एक संतुलित आहार के रूप में ली जाए तो यह एक लंबे समय तक हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बड़ा कारीगर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, थैंक यू सर। डेफिनेटली इन द नेक्स्ट पार्ट विल इन द पैनल विल have a detailed discussion on that. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. So next we have Dr. Girish Kothekar. He's a senior interventional cardiologist at CHL Hospital, Indore. We are going to have a video on him. पेसमेकर इम्प्लांटेशन, एएसडी एंड वीएसडी डिवाइस क्लोजर के स्पेशलिस्ट हैं और जिन्होंने सफलतापूर्वक 10,000 कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स और 4,000 एंजियोप्लास्टी करके सैकड़ों हृदय रोगियों को
स्वस्थ जीवन जीने का उपहार दिया है। मिलिए डॉक्टर गिरीश काउठेकर से। आपने डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम सेंट एंटोइन टेनन हॉस्पिटल फ्रांस से किया है, जो FSCAI तथा FESC सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वर्तमान में डॉक्टर गिरीश काउठेकर एज सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट CHL हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत है और पिछले 25 सालों से चोइथराम हॉस्पिटल, विशेष हॉस्पिटल, भंडारी हॉस्पिटल और गोकुलदास हॉस्पिटल इंदौर में भी एज ऑनररी कंसल्टेंट कार्यरत है। आइए डॉक्टर गिरीश काउठेकर से सीधे जाने हेल्दी हार्ट पाने का सही रास्ता। मैं डॉक्टर गिरीश काउठेकर एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं और विगत 25 से 27 साल से मैं इस क्षेत्र में यहां पर इंदौर में काम कर रहा हूं। वर्ल्ड हार्ट डे के मैसेज के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम भारतीयों में हार्ट की बीमारी काफी ज्यादा है। केवल ज्यादा नहीं है, ये यंगर एज ग्रुप में ज्यादा अफेक्ट कर रही है। आज भी आप समझ सकते हैं कि कितने ICU में कितने यंगस्टर्स ऑफ 30, 35, 40 ईयर्स के लोग वहां पर भर्ती हुए हैं। आप फॉरेन में जाएं, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, वहां पर 60 के पहले बहुत कम देखने को मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि हम लोगों में ज्यादा है हार्ट की बीमारी। हमको इसके लिए बचाव, इलाज के अलावा बचाव करना ज्यादा जरूरी है और बचाव में याद रखें हमको डबल मेहनत करना है। हम सबको प्रण करना है कि अच्छा मेहनत करके इसको धक्का मारे कि 10 से 20 साल आगे बढ़ाए अपनी हार्ट की बीमारी के चांसेस को। और इसके लिए याद रखें हमको 2-4 चीजें जो हम में कमियां हैं उसके ऊपर डबल मेहनत करनी है। जैसे हमको एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। हमको कितने लोग रोज वॉक और एक्सरसाइज करते होंगे, हमको ज्यादा मेहनत करके रोज अपने रूटीन में ये एक अपना एस्पेक्ट आना चाहिए। सेकेंड पार्ट है कि हमको डाइट, हम पर्टिकुलरली इंदौर के लोग शान से बोलते हैं कि हमको खाने का शौकीन है, पर ध्यान रखें कि अपने को शौक हमारे जानलेवा ना बने। हम लोगों को हेल्दी डाइट खाना चाहिए। थर्ड इज हमारे लिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन चीजों का कंट्रोल होना चाहिए। इसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेस। मैं बोलता हूँ, आज सबको बोलता हूँ, यंगस्टर्स को पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और इसके अलावा बोलना चाहोगे तो बीइंग हैप्पी। हैप्पीनेस इज डिफरेंट देन व्हाट यू कैन अचीव, व्हाट यू गेट, व्हाट यू कैन। तो हम लोगों को बैलेंस रखना है कि मुझे खुश रहना सीखना होगा और तभी हम हार्ट से अपने आप को महफूज कर पाएंगे, अपने हार्ट डिसीज और इनसे दूर रख पाएंगे, अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे खुश रहें। लास्ट पॉइंट, वी हैव ए टोकन ऑफ, मतलब नॉट टोकन, आई वुड से ए प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी विच वी हैव टू टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर। हम लोगों को एक्सरसाइज से हमारे पेट का जो आगे आता है उसको रोकना चाहिए। इन सब चीजों से अल्टीमेट यह है कि हम लोग एक काम कर सकें इस साल से, जो कि स्लोगन है वर्ल्ड हार्ट डे का, कि हम कम से कम छोटा सा एक प्रण लें जो हमारे हेल्दी हार्ट के लिए आगे हमारे लिए वो काफी सकारात्मक रिजल्ट देगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम डॉक्टर काउठेकर टू द स्टेज। वेलकम सर। थैंक यू। So, sir, yes. You talked about taking some of the measures like diet and exercise in your video. Now, I would like to know from you that how we can make the patients follow this. I mean, this is the most difficult part. People know about it. There is so much publicity going on. Our PM, sir, is also talking about that yoga, challenging people. But actually, how can we make the common people follow us? This is true, what you're saying. That is a big challenge for us. As I said in my this thing also, we Indians are more, Dr. Shailen Trivedi also said, we are prone, hum logo mein, Bhartiyon mein, keval bimari jyada nahi hai heart ki, younger age mein jyada hai. Hum 30-35 saal ka jaise video mein bataya ki 35 saal ke bachchon ko, ladkon ko, kitne log ICU mein hai. It's not seen in Western countries.
तो हमको वाकई डबल मेहनत करना है, पर हम लोग साथ ही साथ इट इज़ अ चैलेंज. देर आर टू एस्पेक्ट्स अबाउट इट. फर्स्ट वी हैव टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द हार्ट डिसीज इन टू द पब्लिक. इट्स नॉट अ ईजी टास्क. इट हैज टू कंसर्टेड एफर्ट फ्रॉम ऑल द एंगल्स. वॉट इज दैट? गवर्नमेंट हैज टू वर्क फॉर इट. Non-governmental organizations have to come forward. At an individual level, everyone has to work for it. And as a doctor, I have to make. In my clinic, I have couple of my assistants also. But it is very clear in our clinic also. The history is not complete without asking one question: how much you walk. A small gesture that he is given the awareness and importance of the walk. So we have to all work for the awareness which is lacking. और हम लोगों को इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है. अवेयरनेस के बाद में भी हम लोगों को हाउ टू ट्रांसलेट इन टू द रियल एक्टिविटी इन द लाइफ. एज अगेन सेड बाई दिस थिंग, हम लोग कम से कम एक एक प्रण करते चले. हमको अपने बैलेंस्ड डाइट के साथ में अपने शौक भी पूरे करें. हमारे यहाँ पर मैं क्लिनिक में भी बोलता हूँ सबको कि केवल रोज का बंधन से खाने की जरूरत नहीं है. देयर शुड बी चीट डेज, देयर शुड बी ब्रेक डेज, देयर शुड बी हम कभी कभी तोड़ें अपने रूल्स. पर अगर रोज तोड़ने लग जाएं तो मेरे पास या हमारे पास सबके पास ही आना बाकी रहेगा. हम भारतीयों में वैसे भी हार्ट की बीमारी ज़्यादा है. हम लोगों को Government also has to work hard for it. Non-governmental organizations. One simple example. In 1950s, what was the heart problem in the US? They have come down in numbers and percentage. One basic cause is the less of tobacco, smoking. So, hum logon ko bhi isme. And kitne log truly they are exercising? Aap ek 10%, 5%. लोगों की बात ना करें, हम लोगों में यंगस्टर्स में पर्टिकुलरली कितने लोग वाकई एक्सरसाइज वॉक जॉग करने जाते हैं. तो हम लोगों को सब दूर से ही ध्यान देना है. हम डॉक्टर्स के अलावा अपन सब ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज. वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू वर्क डबल. वी हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर इट. दैट्स माई पॉइंट. सर एक चीज़ है, मैंने श्रीलंका में मैंने सुना है, एक डॉक्टर उधर का कह रहे थे कि उधर क्या करते हैं, फूड में ऊपर लेबल दिया है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लेबल है कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा है, तो इट इज़ मार्क रेड. ऐसा कुछ इंडिया में कर सकते हैं, जैसे फास्ट फूड या उसमें कैलोरिक जो है उसके ऊपर लेबलिंग? कैलोरी अवेयरनेस, यस वी कैन डू इट. कम से कम रंग का लेबल लगाने से मालूम पड़ जाए कि ये हमारे लिए ज़्यादा, मतलब अब हर एक आदमी को कैलोरी नहीं समझ में आए, कम से कम उसका अवेयरनेस से समझ में आ जाए. सेकेंड, हर जगह लिखा जाए, जैसे टोबैको के ऊपर, स्मोकिंग के ऊपर लिखा जाए इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. सिमिलरली हाई कैलोरी इंजूरियस टू हार्ट. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. सजेशंस अबाउट व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. वी कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट दैट. देर आर मेनी एस्पेक्ट्स. अब हम उसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे हैं जहाँ हम वाकई हेल्प कर सकते हैं लोगों को. जहाँ पर कैंप्स होने चाहिए. अब मैं इंडिविजुअल लेवल, आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए, वहाँ से बच्चे सीखेंगे कि मुझे वजन भी कंट्रोल करना है, वहीं से खाने पीने का कंट्रोल है. वहाँ पर कंपलसरी, हमारे वक्त है ना, कंपलसरी एक्सरसाइज और गेम्स क्लासेस होती थी, आजकल कितने स्कूल में हो रही है. देर इज़ अ वेरी गुड दिस थिंग गोइंग ऑन इन इंदौर. मैराथन्स आर बीन ऑर्गेनाइज. दिस आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डूइंग सच एक्टिविटी विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पर यह अवेयरनेस बढ़ाएंगे और हमको बचपन से पकड़ना है उनको. हमको उनको पहले से ही सिखाना है, उनको है ना इम्बाइब करना है उनके माइंड में कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड. एंड लेबल्स वगैरह तो बाद में आते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स. डेफिनेटली इन द पैनल विल टेक इट अप इन मोर डिटेल्स. थैंक यू सर. Next, we'd like to invite Dr. Nitin Modi to the stage. Before that, we'll just see a video on him.
He's a consultant interventional cardiologist convenient hospitals limited. आइए मिलते हैं एक ऐसे डॉक्टर से जिनसे जब हमने पूछा कि अगर जिंदगी आपको एक मौका और दे तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, तो एक ही जवाब मिला, कार्डियोलॉजिस्ट। मिलिए मध्य भारत के जाने माने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन मोदी से, जो CHL हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत है। डॉक्टर मोदी एंजियोग्राफी तथा एंजियोप्लास्टी स्पेशलिस्ट भी है। डॉक्टर मोदी ने देश के जाने माने हृदय रोग संस्थान SGPGIMS लखनऊ से PM इन कार्डियोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है और विगत 15 वर्षों से निरंतर न केवल हृदय रोगों का उपचार कर रहे हैं बल्कि एज प्रोफेसर कार्डियोलॉजी एट RD गार्दी मेडिकल कॉलेज उज्जैन और अरोबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से देश को कई सफल कार्डियोलॉजिस्ट भी दिए हैं। आइए जानें डॉक्टर नितिन मोदी से उनका हेल्दी हार्ट मंत्र। इस वर्ष हम लोगों ने हृदय रोग के अवेयरनेस के बारे में एक विशेष कैंपेन शुरू किया है। उस कैंपेन का नाम है दिल से दिल तक। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, ये ओवरऑल एक बॉडी है जिसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो 1950 में शुरू की गई थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्ट डिजीजेस हैज बिकम द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ, दिस नंबर वन किलर। इसी को देखते हुए हार्ट डिसीज अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बना है और ये लगभग 2000 से हर साल एक वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। सिंगल डे में कैंपेन होता है लोगों के अवेयरनेस के लिए हार्ट डिसीज की जानकारी और हार्ट डिसीज से बचने के संबंधी। हर साल एक कैंपेन वो शुरू करते हैं। यह वर्ल्ड हार्ट डे इस साल 29 सितंबर 2018 को मनाया जाएगा। इस साल की वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है माई हार्ट योर हार्ट एंड अवर हार्ट। बेसिकली यह इसलिए है कि हमें अपने हार्ट की बीमारी के बारे में अवेयरनेस के लिए। एक आम आदमी अपने मोबाइल के बारे में, कितना GB रैम है, कितना डाटा है, कितना कैमरा है, अपने स्कूटर के बारे में, अपनी कार के बारे में सारी चीज़ें जानता है, लेकिन अपने दिल के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। तो यह अवेयरनेस कैंपेन है कि आप अपने हार्ट को जानिए और हार्ट की बीमारी से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर है उसके बारे में जानिए। और इस साल एक कैंपेन का एक पार्ट है कि मेक ए प्रॉमिस, एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक प्रॉमिस जरूर कीजिए। यह प्रॉमिस यह हो सकता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, यदि आपका ऑफिस आपके घर के पास है तो आप कार से जाके कि आप ये तय करके अगली बार से अपने साइकिल से जाऊँगा या बाइक से जाऊँगा, या अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है जैसे आप बहुत फैटी फ्राइड आइटम है, यदि इंदौर या मालवा के जोन के हैं तो आप वो के साथ नमकीन समोसा कचौरी इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन करें, या अपने फैमिली से करें कि हम अपना वेट रिड्यूस करेंगे या रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो एक प्रॉमिस इस बार वर्ल्ड हार्ट डे पे जरूर आप अपने आप से करिए, मेक ए प्रॉमिस। अब हम हार्ट की बीमारी के बारे में इतना कहते हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में हार्ट की क्या स्थिति है। हार्ट अटैक के बारे में हम लोग इंडियंस वर्ल्ड में सबसे टॉप पर है। वर्ल्ड वाइड अगर पर 1000 पॉपुलेशन में प्रेवलेंस देखा जाए, मतलब कितने हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में यह 4 से कम है, 3 से 4 पर 1000 है, लेकिन हमारी कंट्री में यह फिगर 8 से 10 तक जाता है। और 40 की उम्र से कम के हार्ट अटैक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में। एक तरीके से 2025 तक के इंडिया वर्ल्ड का कार्डियक कैपिटल मीन्स हार्ट की बीमारियों का कैपिटल बनने वाला है। दिल से कैपिटल नहीं, दिल की बीमारियों का कैपिटल बनने वाला है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर पिछले 10 साल में जितने डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अवेयरनेस के कारण हार्ट अटैक के इंसिडेंस में रेगुलर गिरावट आती जा रही है। और हमारे देश में हार्ट अटैक के बारे में जो ग्राफ बन रहा है पूरा वर्टिकली सीधा हाइट की तरफ जा रहा है और हमें इसके बारे में अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। आज की तारीख में इन्फेक्शियस डिसीजेज, कम्युनिकेबल डिसीजेज कम होती जा रही है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, डायबिटीज बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल टारगेट वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन वर्ल्ड हार्ट कम्युनिटी का है, वर्ल्ड हार्ट डे का, कि हमें 2025 तक के करीब 25% रिडक्शन होना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के। हम कहते हैं कि हार्ट के बारे में आपको अपने नंबर पता होना चाहिए, क्या आपका मोटापे और हाइट से आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, कॉलेट की नो योर नंबर्स, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, आपका एवरेज ब्लड प्रेशर का नंबर कितना रहता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का नंबर आपका कितना रहता है, आपका हार्ट का पंपिंग का नंबर कितना है, तो नो योर नंबर्स। और इस बार के वर्ल्ड हार्ट डे पे एक प्रॉमिस जरूर करिए अपने आप से कि मैं एक अच्छी आदत अपने हार्ट के लिए जरूर डेवलप करूंगा। नमस्ते।
Welcome Dr. Modi to the stage, please. Please take a seat, sir. Sir, we have a very practical question for you today. Sir, there are a lot of heart attacks happening, and we have seen quite a lot of cases where the patients or their relatives, what they have done is that they have mistook it for a gastric pain, neglected it, and then after the patient has died. So how can the layman distinguish between the two, if it is possible, and what they should do immediately if they're suspecting such a condition? देखिए, heart attack एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हार्ट की नसों में ब्लड का क्लॉट बन जाता है और एक हिस्से की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है. इसके जो सिम्टम होता है, यूजली ये माना जाता है कि हार्ट जब बच्चे का एम्ब्रियो होता है, सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, और ग्रोथ के दौरान ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो जो भी पेन हार्ट की बीमारी का होता है, यूजली सेंट्रल होता है, हमें से रेट्रोस्टर्नल या स्टर्नम के पीछे का पेन होता है. आम लोगों में ये धारणा है कि बाईं तरफ का दर्द हार्ट का होता है. इसके अलावा कोई भी दर्द अगर सेंट्रल में है, पीठ में है, या दाईं तरफ है, वो हार्ट का नहीं होता है. तो जब भी अगर आपको कोई नया सिम्टम होता है जो यूजुअल आपके डे टू डे रोजमर्रा इश्यूज से अलग है, यदि आपको कहीं स्टर्नम हो गया तो सेंटर ऑफ चेस्ट में दर्द हो रहा है जो बाईं तरफ जा रहा है, या कभी कभी सिर्फ जबड़ों में जाता है, या दाईं तरफ जा रहा है, या सिर्फ पीठ में भी हो सकता है दर्द, कोई भी नया सिम्टम जिसे हम लोग कहते हैं कि मुंह से लेकर अम्लाइकस के बीच में सडनली होता है, जिसके साथ आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, अनयूजुअल कुछ सांस का बेचैनी सा लग रहा है, यह हार्ट अटैक का सिम्टम होता है. आम लोग यह सोचते हैं कि अगर पीठ में दर्द हो रहा है तो कहीं गैस का है, या खाना अटक गया है, कुछ पानी पियेंगे, इनो पियेंगे, एक दो घंटे का समय यूं ही पास करते रहेंगे. जबकि हार्ट अटैक में माना जाता है कि जितना जल्दी आपका इलाज शुरू होगा उतना अच्छा आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहेगा. यदि दर्द होने के एक घंटे के अंदर आपका इलाज शुरू हो जाता है तो लंबे समय में रिकवरी अच्छी होती है, और यदि आपके दर्द होने के 12 घंटे के बाद अगर आप एक सेंटर पहुंचते जहां आपका हार्ट अटैक का डायग्नोसिस होता है, उसके बाद आप कितना भी ट्रीटमेंट करें, रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होती है. तो हार्ट अटैक के बारे में हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है. जैसे आप जानते हैं कि सरकार कहती है कि अगर आपको खांसी आ रही है 15 दिन से ज़्यादा और खांसी में खून आ रहा है तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, यदि आपको ठंड लेके बुखार आ रहा है तो मलेरिया हो सकता है, ऐसे काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन है. लेकिन हार्ट अटैक के बारे में कि क्या सिम्टम है जिसे हम हार्ट अटैक कहें, मैंने अपने साथ जो कलीग से है जो आते हैं, जो नॉन मेडिकल पर्सन से हम लोग कहीं पब्लिक अवेयरनेस टॉक देते हैं, तो उसमें अगर हम पहला क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज़ हार्ट अटैक, तो 90% लोग यही नहीं जानते कि हार्ट अटैक का दिल का दौरा क्या होता है. तो हार्ट अटैक के सिम्टम की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि जो गैस या पेट संबंधी बीमारी है, पेट संबंधी बीमारी आजकल जैसे खान पीन काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ रहता है, आप काफ़ी फैटी आइटम या स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो गैस की तकलीफ होती है. अब इस गैस की तकलीफ से हार्ट अटैक को कैसे डिफ्रेंशिएट करें? कॉमनली अगर आपको हार्ट संबंधी तकलीफ है तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करेंगे, एक्सर्शन करेंगे, या आप चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, या वॉक करते हैं, तो आपका सिम्टम जो भी रेट्रोस्टर्नल हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ चेस्ट में, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएंगी. और गैस के मामले यह होता है कि खाना खाने के बाद उसका रिलेशन फूड से होता है, कि अगर आपने कुछ खाना खाया है या स्पेशली उस दिन आपने कुछ हैवी फूड लिया है, उसका एक या दो घंटे बाद आपको सिम्टम्स होते हैं, और यूजुअली ये सिम्टम्स आपके वॉक करने से रिलीव हो जाते हैं. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट हो रहा है या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो चलने के साथ आपको उसमें आराम मिलता है तो वह गैस का तकलीफ होती है, और चलने के साथ अगर वो सिम्टम बढ़ता है तो यूजुअली वो हार्ट की बीमारी का होता है. और ऐसा कोई सिम्टम जो आपके चलने के साथ, या तो जबड़े में आपको जॉ पेन होने लग जाए, या पीठ में बढ़ने लग जाए, या बाएं हाथ या दाएं तरफ कहीं होने लग जाए, तो यह हार्ट का सिम्टम होता है. और गैस के सिम्टम चलने से, एक्टिविटी से कम होते हैं. गैस का सिम्टम का कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, यदि आपने शाम को हैवी खाना खाना है तो एक दो घंटे बाद होता है, जबकि अधिकतर हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होते हैं. 3 या 4 बजे के आसपास मरीज उठता है, अनइजीनेस हुआ, अब यूजुअली एल्डरली पॉपुलेशन है, वो सो रहे हैं, बच्चों को उठाते नहीं हैं, चलो सुबह देख लेंगे, इतनी रात को कहाँ डिस्टर्ब करें. लेकिन जब भी आप कोई नया अनयूजुअल सिम्टम आपको होता है, इवन ये मिडनाइट हो, आप तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या नियरेस्ट हॉस्पिटल से कंसल्ट करिए, क्योंकि हार्ट अटैक नंबर वन कॉज एक डेथ का है, मॉर्टेलिटी का है. और एक बार कोई मसल जब डैमेज हो जाती है, उसके बाद आप एंजियोप्लास्टी करें, बाईपास करें, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लें, उसमें रिकवरी होना बहुत मुश्किल होता है.
तो डॉक्टर साहब ये हम लोग अभी जान गए कि कोई भी चेस्ट पेन हो उसको इग्नोर मत करें, करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इनो तो बिल्कुल ले लेना चाहिए इमीडिएटली. ओके थैंक यू सर, डेफिनेटली पैनल डिस्कशन विल टेक इट. नेक्स्ट वील हैव डॉक्टर अल्केश जैन, ही विल गिव अस एन इनपुट. सो वील हैव अ वीडियो इनपुट, लेट्स सी द वीडियो. Senior Registrar, Batra Heart Institute, New Delhi. Senior Registrar, MGM Medical College, Indore. Senior DM Resident, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. Assistant Professor in Cardiology, Head of Department of Pediatric Cardiology, Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad. Consultant Interventional Cardiologist, Escorts Arneja Heart Institute, Nagpur. Consultant Interventional Cardiologist and Cath Lab in Charge, Choitham Hospital and Research Center, Indore. Meet Dr. Alkesh Jain, जिन्होंने देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख हृदय रोग संस्थानों में कार्य करते हुए 25,000 एंजियोग्राफीज और 5,000 से ज्यादा एंजियोप्लास्टीज की है. वर्तमान में डॉक्टर जैन गोकुलदास हार्ट हॉस्पिटल इंदौर और रिदियम में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड कैथ लैब इंचार्ज है. आइए जाने डॉक्टर अल्केश जैन से उनका हेल्दी हार्ट मंत्र. मैं डॉक्टर अल्केश जैन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, गोकुलदास हार्ट हॉस्पिटल, आपको विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. हर साल की तरह इस साल भी विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 2018 को मनाया जा रहा है. इस साल का थीम है कि प्रॉमिस योरसेल्फ, या हम एक प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम अपने हार्ट का ख्याल रखेंगे एवं अपने परिवारजनों का एवं समाज में सभी के हार्ट का ख्याल रखेंगे. इस प्रॉमिस में हमें कुछ प्रण करना होगा कि हम यदि स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करते हैं तो वो तंबाकू का सेवन छोड़ें, अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मानसिक तनाव से बचें और हेल्दी फूड हम लें और जंक फूड अवॉइड करें. वेलकम डॉक्टर जैन टू द स्टेज प्लीज. वेलकम सर, प्लीज टेक अ सीट. Sir, we have a very important question for you. We would like to know that a lot of young patients are having heart attack in India. But is lifestyle only responsible for that, or there is any hereditary or genetic reasons behind that? Well, I'll start with my discussion is that definitely we are getting more and more number of young patients. If I talk about our interventional practice, in last week, in this week only, I have done almost 3 or 4 angiographies who had these patients of between the age of 20 to 30 years, 25 years, 28 years, 30 years of heart attack. And patients are regularly coming to us. If I recollect, the youngest patient which I have done angioplasty was of 19 years age, and he was a heavy smoker. So most of these young patients who are coming to us have a different risk profile as compared to the elderly age group. See, young CAD, what we define is below the age of 40 to 45 years. So these patients are usually heavy smokers, or we have, India is the capital of diabetes, or sugar ki bimariyon ka hume sabse zyada incidence India mein milta hai. So in young patients mein, either they are heavy smokers or they are diabetic, and these younger patients have very less collaterals. So in logon mein jab bhi heart attack hota hai to it is of a very large size, unme heart ka jo function hai it reduces drastically as compared to elderly people, because elderly mein yadi attack hoga to kuch na kuch collaterals hote hain jo itne saalon tak develop hote rehte hain, aur yadi koi artery occlude bhi hoti hai to un logon mein heart mein damage kam hota hai. So definitely these younger patients are either heavy smokers or they have diabetes. Superimposed on being genetically, we are also prone, as has been said previously in discussion, we as an Indian or South Asian Indians,
कुछ स्टडीज भी हुई है. इनफैक्ट दोज पेशेंट्स हु हैव दोज पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू यूएस, वहाँ पर जो इतने सालों से रह रहे हैं वहाँ के लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर चुके हैं, बट इवन उन लोगों में देखा गया है कि एज कम्पेयर टू दोज वेस्टर्न पॉपुलेशन, हम इंडियंस में ये डिसीज़ ज़्यादा एग्रेसिव है, यंग एज में आती है, ऑलमोस्ट 10 से 20 साल पहले आती है एज कम्पेयर टू दोज वेस्टर्न पीपल. सो डेफिनेटली वी हैव अ जेनेटिक बैकग्राउंड. सुपर इम्पोज्ड ऑन दैट नंबर वन इज स्मोकिंग और टोबैको कंजम्पशन, किसी भी फॉर्म में टोबैको कंजम्पशन. एंड टॉप ऑन दैट इज द हाई इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडियन पेशेंट्स. सर और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अल्कोहल या स्ट्रेस ये कैसे फैक्टर इन हो रहा है? अल्कोहल ज़्यादा कंजम्पशन के लिए होता है क्या? वेल लोग डेफिनेटली कई जगह ये पब्लिसाइज होता है कि अल्कोहल इज़ गुड फॉर हार्ट, बट दैट्स अ मिथ. डेफिनेटली वी शुड नॉट प्रमोट अल्कोहल फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीजेज, बिकॉज जो AHA की गाइडलाइंस भी है उसमें इट्स अ कंजम्पशन ऑफ माइल्ड और मॉडरेट अल्कोहल, बट यू नो देर इज़ नो लिमिट इफ वन स्टार्ट्स अल्कोहल फॉर दैट. सो डेफिनेटली अल्कोहल इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर हार्ट डिसीज. And stress, yes, stress is directly related to the hypertension or high blood pressure. And high blood pressure is related to the cardiovascular diseases. So yes, if you inculcate any healthy meditation or relaxation exercise, maybe in the form of music or whatever hobby you have, then definitely you are curtailing this stress-related hypertension and associated problems. So what we can learn from you is that we have to control our diet, do exercise, cut down on alcohol, contrary to what the guidelines are. Yeah, that's very important. Never start alcohol for prevention of heart disease. Yes. That is the crux of the problem. Yes. And please avoid smoking or tobacco consumption in any form. Because yadi heart attack kisi ko hota bhi hai, uske baad yadi, if you see the interventions which reduces the death from subsequent heart attack, number one is the smoking cessation. सो यदि हार्ट अटैक किसी पेशेंट को हुआ है एंड ही इज ए स्मोकर, यदि वो स्मोकिंग बंद कर देता है तो उसके आने वाले हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस सबसे ज़्यादा फायदा उसी को होता है स्मोकिंग बंद करने से, नाइदर फ्रॉम बाईपास सर्जरी नॉर फ्रॉम एंजियोप्लास्टी और नॉर फ्रॉम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल. यदि वो स्मोकिंग बंद करता है तो उसे सबसे ज़्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंटरवेंशन आफ्टर ए हार्ट अटैक. सर और एक चीज़ मैंने बहुत सुना है पेशेंट से सबसे कि मैं तो पहले 2 पैकेट सिगरेट पीता था, अभी तो बस 2-3 ही पीता हूँ सिगरेट. या उससे क्या होगा? सिंस देयर इज अ क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आज आपने बंद भी करी है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट आपकी बॉडी में 1 या 1.5 साल बाद आना शुरू होंगे. तो यदि आपने 1 पैकेट से 2 सिगरेट कर भी दी है तो यू आर बीइंग अफेक्टेड और आप हेवी स्मोकिंग या स्मोकर की रेंज में आते हैं. So it is not like that कि हमने कम कर दिया है. You have to quit and stop this tobacco in any form. और तब उसका इफेक्ट आपको 6 महीने साल भर या 1.5 साल बाद उसके you will be equivalent to non-smoker as a risk. Thank you sir. We have a very hard message from you to the young generation. So they need to follow that. Thank you sir. And in the subsequent panel we'll take it up in more detail. Thank you. Next, I would like to welcome Dr. Siddhant Jain. He is a consultant intervention cardiologist at Apollo Hospital, Indore. We have a video on him. Let's see that video now. आइए मिलते हैं एक ऐसे डॉक्टर से जिनका पैशन ही एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी है. मीट डॉक्टर सिद्धांत जैन, जिन्होंने DM इन कार्डियोलॉजी विश्व प्रसिद्ध मेडिकल इंस्टीट्यूट PGI चंडीगढ़ से की है. वर्तमान में डॉक्टर सिद्धांत जैन रिदम हार्ट केयर क्लिनिक और अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में एज कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हैं. डॉक्टर सिद्धांत ने अब तक 10,000 सक्सेसफुल कार्डियक प्रोसीजर्स विगत 10 वर्षों में की है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर एवं अन्य कार्डियक प्रोसीजर्स शामिल हैं. कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत कार्यों के लिए डॉक्टर सिद्धांत को अनेक मेडलों और प्रशस्ति पत्रों से देश विदेश के संस्थानों ने समय समय पर सम्मानित किया है. आइए जानें डॉक्टर सिद्धांत जैन से उनका दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट मंत्र. नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ. मैं कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ. मैं इंदौर में अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता हूँ.
दिल से दिल तक की चर्चा में मैं सभी हार्ट पेशेंट यानी हृदय रोगियों को ही नहीं बल्कि सभी स्वस्थ व्यक्तियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हार्ट डिजीज हम में से किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकती है एवं इसके बारे में जानना इससे बचाव के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट डिजीज आज एक महामारी की तरह फैल रही है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हॉस्पिटल्स में बड़े उन्नत एडवांस और महंगे ट्रीटमेंट हम लोगों के पास हार्ट पेशेंट्स हार्ट डिजीज के लिए अवेलेबल है पर उन सबके बावजूद दिल की बीमारियों का प्रकोप कम नहीं होता है। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली से लिंक्ड है संबद्ध है और इसे समझकर हम शायद इसके बचाव में कुछ कर सकते हैं। संक्षिप्त में शॉर्ट में कहना चाहूँगा सिर्फ चार बातें जो हमें हार्ट डिजीज से बचने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, एक स्वस्थ व सक्रिय जीवन शैली यानी एक्टिव लाइफस्टाइल। नंबर दो, संतुलित व सही खानपान। नंबर तीन, समुचित मेडिकल जांच, बीमारियों का निदान एवं उनका समुचित प्रॉपर उपचार। नंबर चार, तनाव रहित उल्लासपूर्ण मन। यह चार बातें यदि हम समझते हैं तो हम दिल की बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और इसी चीज़ को आप लोगों को बताने के लिए दिल से दिल तक हम हार्ट स्पेशलिस्ट दिल के डॉक्टर आपसे मिलने आ रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर जैन टू द स्टेज। वेलकम, थैंक यू सर, प्लीज टेक अ सीट। Sir, we have a very important question for you. Yes. Sir, when we have a heart attack, when the patient is having a heart attack, what are the immediate treatment options available to save the patient? Because angioplasty is not, a facility is not available everywhere. So what is immediately that, what can be done? Basically, we have to understand what is a heart attack. Heart attack jo hota hai, wo humare hriday ko, jo ki pure sharir mein khun pump karta hai, usko khud ko khun supply karne wali jo dhamniya arteries hoti hai, unke blockage ke karan hota hai. तो हार्ट अटैक में इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, ये अवेयरनेस आम जनता में सभी लोगों में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हार्ट अटैक के सिम्टम जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं उन्हें पहचानना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइजिंग हार्ट अटैक। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट प्रोफाइल, किन पेशेंट्स को हार्ट अटैक होता है ये समझना ज़रूरी है। जो पेशेंट मिडिल एज में या मिडिल एज से ज़्यादा एज के है, जिन्हें रिस्क फैक्टर है जैसा अभी बताया गया है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनियमित जीवन शैली, ओवरवेट, ओबिसिटी, एडिक्शंस, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारे रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट को यदि लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के, तो आपको मानना पड़ेगा कि यार ये एसिडिटी या कोई अन्य समस्या नहीं है, हार्ट अटैक हो सकता है। लक्षण जो होते हैं, सीने में दर्द या दबाव की शिकायत होना, भारीपन होना, जी मचलाना, घबराहट होना, साथ में पसीना आना, बेचैनी होना, उल्टी होना। दर्द जो है हार्ट अटैक का, वो सीने में भारीपन की तरह होता है, दर्द जैसा नहीं होता है, बस बेचैनी, घबराहट, जलन या भारीपन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस पेन कैन रेडिएट अप टू जॉ एंड इन योर बोथ आर्म्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो इस तरह के पेशेंट को यदि लक्षण हो रहे हैं तो हमें तुरंत उस पेशेंट को, तुरंत सबसे पहले उस पेशेंट को हमें देखना चाहिए कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। यदि पेशेंट कोलैप्स है तो सबसे पहले CPR करना ज़रूरी होता है। यदि पेशेंट कोलैप्स नहीं है तो जितनी जल्दी उसको हम किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ECG कराने के लिए, हॉस्पिटल में, डॉक्टर क्लिनिक में ECG कराने के लिए जाना जरूरी। बिना ECG के हार्ट अटैक का डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि साहब हार्ट अटैक किसी को आए तो तुरंत क्या दवाई दे, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। डिस्प्रिन एक गोली होती है जो ब्लड थिनिंग एजेंट होती है, सॉर्बिट्रेट कुछ गोली हम टेम्परेरी, यदि हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि हाँ ये तो हार्ट पेशेंट है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो दे सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले ECG कराना जरूरी है और ECG में यदि आपके डॉक्टर कन्फर्म करते हैं कि आपको हार्ट अटैक है तो आपको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए। ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे कि ICU की और हार्ट अटैक के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। हार्ट अटैक का पेशेंट तुरंत डिट्योरेट हो सकता है, तुरंत कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, तो अस्पतालों में जहाँ ICU है वहाँ पे डिफिब्रिलेटर होते हैं, हार्ट को शॉक देके वापस चालू करने की मशीनें होती है, प्रशिक्षित डॉक्टर यानी ट्रेन स्टाफ होता है, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट ICU की सुविधा होती है, वहाँ पे हार्ट अटैक के लिए तुरंत दवाइयाँ दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, खून पतले के इंजेक्शन दिए जाते हैं। यदि हम उस अस्पताल में पहुंच सके जहां पे कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट जो हार्ट अटैक का होता है इवन इन इमरजेंसी इज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, यानी तुरंत पेशेंट को आप कैथ लैब में ले जहां पे एंजियोग्राफी करे, जो नस बंद है उसको तुरंत आप बलून करके स्टेंड करके खोले, वह सबसे सक्सेसफुल, सबसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली वह ट्रीटमेंट बहुत कम लोगों को अवेलेबल होता है, क्योंकि तुरंत ऐसे किसी अस्पताल में पहुंचना प्रैक्टिकल कारणों से संभव नहीं होता है। पर जिस भी अस्पताल में आप जाएंगे, डॉक्टर आपके हार्ट अटैक का रिकॉग्निशन करेंगे, जांच करेंगे और तुरंत उसका इलाज, कुछ क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन होते हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स देते हैं, वो देंगे और उसके बाद उसका इलाज चालू होगा। तो सबसे पहले हम सबके लिए जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचाने, किन मरीजों को, हमें खुद को, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे ऑफिस के कलीग्स में, हमारे नेबर्स में,
हमारे समाज में कहीं पे भी किनको हार्ट अटैक आ सकता है, और यदि उन्हें लक्षण हो रहे तो तुरंत से तुरंत उनको मेडिकल सुविधा के पास ले जाए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज सर। और एक चीज़ है, यूएस यूके में हम लोग बहुत देखते हैं कि जब पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में पहुंचा, एम्बुलेंस में ईसीजी हो गया, ईसीजी इंटरप्रिटेशन हो गया एंड थ्रोम्बोलाइटिस उधर ही स्टार्ट हो गया। सो बेसिकली पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचे एक थ्रोम्बोलाइसिस हो ही गया। ऐसा फैसिलिटी इंडिया में क्या हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है? ऐसा फैसिलिटी बहुत अच्छा है, जिसको प्री हॉस्पिटल थ्रोम्बोलिसिस या इमीडिएट ट्रीटमेंट घर से ही शुरू हो जाता है। पैरामेडिकल टीम आती है घर पे, वो लोग ईसीजी करते हैं। अब ईसीजी की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, ईसीजी मशीन बहुत छोटी होते जा रही है, सस्ती होते जा रही है, तो विद इन फ्यू ईयर्स ईसीजी मशीन एम्बुलेंसेस में भी रहेगी। तुरंत ईसीजी करके अब इंटरनेट के थ्रू ईसीजी का ट्रांसमिशन डॉक्टर तक हो जाता है। अभी हमारे मोबाइल में गांव गांव से व्हाट्सएप के थ्रू ईसीजी आते हैं और 2 मिनट के अंदर हार्ट अटैक का डायग्नोज हो जाता है, जो पहले शायद बाहर डॉक्टर्स नहीं समझ पाते थे और ट्रीटमेंट डिले होता था। तो टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है, इलाज उतना फास्ट और सुविधाजनक हो रहा है, लेकिन मरीज को सबसे पहले मेडिकल हेल्थ तक पहुंचना पड़ेगा। यदि आप खुद ही एसिडिटी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अजवाइन पी लो, पानी पी लो, सोडा पी लो और 4-5 घंटे टाइम पास करो और फिर आप पहुंचेंगे, तो जो गोल्डन आवर्स होते हैं किसी भी हार्ट अटैक में, इनिशियल 4 से 8 घंटे को कहते हैं गोल्डन आवर्स। और एक कहते हैं टाइम इज मसल, हार्ट की मसल का जो डैमेज होता है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट कीमती होता है। तो जितनी जल्दी हम हार्ट अटैक के सिम्टम को पहचानेंगे और सही जगह पहुंचेंगे, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट फास्ट शुरू होगा। यदि कभी हार्ट अटैक नहीं भी है और गलती से आप ईसीजी कराने चले गए और ईसीजी नॉर्मल आया, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी दिन हार्ट अटैक है और आप 2 घंटे लेट पहुंचे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो फास्ट एक्शन पेशेंट की तरफ से होना जरूरी है, डॉक्टर्स और आईसीयूज और हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग तो रहती है, जितनी जल्दी हो सके इलाज करें। सर एक क्वेश्चन और है जी, मुझे आ रहा है कि ऐसा कभी हो सकता है कि ईसीजी नॉर्मल आए फिर भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। 100 में से करीब 10 से 15% मरीजों में इनिशियली ईसीजी नॉर्मल रहता है, पेशेंट को पेन हो रहा है, हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टर को डाउट हो रहा है कि यार इनको हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक होने की संभावना है, लेकिन ईसीजी में अभी चेंजेस नहीं आए हैं। ऐसा 10 से 15% मरीजों में संभव है, और ऐसे मरीजों में पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुछ और टेस्ट जैसे होते हैं इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की सोनोग्राफी तुरंत करके देखा जाए, सीटी एनजीओ कहीं तुरंत किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट जिसमें हार्ट अटैक का जल्दी डायग्नोज किया जाता है, वो करके इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है। और एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन में यदि डॉक्टर कह रहे हैं इमरजेंसी में कि भाई आपको हार्ट अटैक हो सकता है, अभी ईसीजी ओके है, लेकिन आपको रुक के 1-2 घंटे बाद फिर ईसीजी कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, तो सलाह को मानने में ही समझदारी है। तभी आप हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी से जिसकी मोर्टेलिटी 10-15% होती है, फर्स्ट हार्ट अटैक में 10-15% पेशेंट बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको तुरंत और सही इलाज लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर जैन, बहुत कुछ जानने को मिला। ये हम लोग को जानने को मिला कि जब भी हार्ट अटैक होता है जल्दी डॉक्टर से पहुंचो या एम्बुलेंस पे पहुंचो, ताकि जल्दी ये जो गोल्डन आवर आपने बोला, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी हैड टुडे। थैंक यू डॉक्टर जैन। द नेक्स्ट पैनलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट फॉर टुडे इज डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास। ही इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट वेदांत हार्ट इंस्टीट्यूट। We have a video on him. Now we'd like to see the video. जिनके जीवन का लक्ष्य ही नई सोच है और जो अपने हृदय रोगी मरीजों के अंधियारे जीवन में एक आशा की किरण बनकर उनका उच्च कोटि का इलाज कर रहे हैं, ऐसे ही एक डॉक्टर आज हमारे बीच है। मिलिए डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास से। When I reach the summit of Rala Mandal, I realize that the whole nature has a rhythm. So whole nature works in a rhythm, like our heart. So जैसे nature की rhythm होती है, वैसे ही हमारे हृदय में भी rhythm होती है। यहीं से मुझे heart की rhythm की बीमारियों का इलाज करने में interest rise हुआ, और मैं इसी कोशिश में हूँ कि लोगों को heart की rhythm से related abnormality कम से कम हो to begin with, और अगर कभी हो तो उनको सही से सही इलाज मिल सके। जिन्होंने अपनी मेडिसिन की शिक्षा देश के नामी गिरामी मेडिकल इंस्टीट्यूट से की है, एमडी जनरल मेडिसिन फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली एंड डीएम इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम जीवी पंत मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। मिलिए डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास से, जो मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर अनिरुद्ध बचपन से ही बिरली प्रतिभा के धनी है। शिक्षा के दौरान उन्हें अनेकों मेडल से सम्मानित किया गया है और उनके रिसर्च पेपर्स देश विदेश के नामी जर्नल्स में प्रकाशित किए गए हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध जिनके जीवन का उद्देश्य ही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के क्षेत्र में
उन्नत तकनीक के माध्यम से हृदय रोगियों को बेहतर और उचित इलाज मुहैया कराना है। तो आइए डॉक्टर अनिरुद्ध से ही जाने कि बिना अवरोधों के दिल की धड़कन उत्तम स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है। वेलकम डॉक्टर व्यास टू द स्टेज। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सो मेनी गोल्ड मेडल्स, इवन द लेडीज एंड द फीमेल्स विल बिकम वेरी जेलस ऑफ यू। द मेडल्स आर यूजुअली गोल्ड प्लेटेड। So it is our prime responsibility to respect this life. Life ki respect karne mein sabse important aspect hai hamari sehat ka, which is health. Health ka respect karti hai medicine, which is as a branch and as a system of treatment of diseases. But mujhe lagta hai ki it gives us a very tunneled vision. We should see life and health in a more broad and holistic view. This is same for cardiac health also. तो हम सिर्फ हार्ट को अपने ठीक रखना चाहेंगे तो सिर्फ हार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके कभी ठीक नहीं रख पाएंगे। वी हैव टू लुक हार्ट इन अ होलिस्टिक व्यू। वी शुड सी अवर होल बॉडी। सो दिस इज आई हाउ आई स्टार्ट माई डे। व्हेन आई स्टार्ट माई डे आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम अलोन विथ नेचर। आई ट्राई टू ब्रीद इन फ्रेश एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन। आई ट्राई टू रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स विच हैज हैपेंड इन पास्ट। I try to negate and delete all the aspects which are troubling me, and I try to work out on things which are going to give me a more energetic perspective in the day which is coming. This is something like, you know, playing mind over matter. And this kind of thing, this kind of start in the day, it gives me energy for upcoming day. And this is how I start my day. A message to the public for cardiac health. I think there are two major enemies of our heart, two sets of enemies. One set is external, one set is internal. So internal enemies first. So first of all, if we want to improve our cardiac health, we should control hypertension, blood pressure, we should control diabetes, and we should control mental stress. And about external factors, the most important factors are smoke, which is smoking, cigarette smoking. Then it is food, the type of food which we eat. We all know what is healthy food, what is unhealthy food. Still we end up liking and eating what is good for our taste but not good for our health. And third aspect is pollution. So I think we have to control these two sets of issues if we want to keep our heart healthy and working nicely for a long period of time. मुझे लगता है दिल से दिल तक जो इनिशिएटिव ये लिया गया है ये बहुत अच्छा है। इससे डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इससे बड़ी आसानी से जो एक एनवायरनमेंट बनता है बड़ा एक हेल्दी और फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है जिससे जो सारे पेशेंट्स और जो पब्लिक है वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है और डायरेक्ट हमसे जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर सकती है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन अ लॉन्ग वे। Primary prevention is very important in the prevention of heart diseases. So do we have enough modern medicines which can actually prevent a heart attack, which is the most important for us now? So I feel this is a very important question, how to prevent, because treatment is simple. So we all six of us would agree ki hum abhi jis era mein hai medicine ke hum kafi control mein hai. हम हार्ट को अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे काम करता है, हार्ट अटैक होता है तो क्या लक्षण होते हैं, किस तरह उसका डायग्नोसिस होता है, क्या उसके इलाज हैं और क्या जल्दी से जल्दी उसका इलाज किया जा सकता है। बट जो उसका कारण है वो उसकी समझ अभी भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में पूरी तरह नहीं बैठी है, इसलिए हम कुछ फैक्टर्स को अननोन या जेनेटिक मानते हैं। जब तक हम उनको प्रॉपरली असेस नहीं कर सकते तब तक हम एग्जैक्ट प्रिवेंशन तक तो नहीं आ सकते। बट हाँ, कुछ मेडिसिन ज़रूर हैं जो हार्ट अटैक को होने से प्रिवेंट करती हैं। जैसे मैं अपने टॉक में भी बोल रहा था, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, उन्हें हार्ट अटैक होने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट डायबिटीज़
होना और हार्ट अटैक, एक पूर्व हार्ट अटैक होना, आपस में इक्विवेलेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अगर हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को बराबर ट्रीट करते हैं तो हम अपने होने वाले हार्ट अटैक को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को हार्ट अटैक होने की रिस्क है, वो अगर रेगुलरली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की मेडिसिन और खून पतला करने की मेडिसिन जिसे एस्पिरिन बोलते हैं वो रेगुलर लेवल पर लें, तो उससे हार्ट अटैक प्रिवेंशन में एक स्टेप आगे बढ़ता है। बट जनरल पब्लिक को मैं ये भी कहा जाऊँगा कि ये जो मेडिसिन हैं खून पतला करने की और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की, दे आर नॉट फन पिल्स। दे शुड नॉट बी टेकन विदाउट गाइडेंस, दे शुड नॉट बी टेकन विदाउट कंसल्टेशन। काफ़ी सारे लोगों से हम मिलते हैं जो यूं ही एस्पिरिन खा रहे होते हैं ये सोच के कि उनको उनका उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ठीक है, हार्ट अटैक तो नहीं होगा, बट उन्हें कभी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही उपचार है उसका, उस बीमारी का इलाज करने के लिए, और क्या सही उपचार है उसको प्रिवेंट करने के। सर, और एक चीज़, सपोज कोई पेशेंट का हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, जनरली हम लोगों ने देखा है कि उसमें भी कोलेस्ट्रॉल कम करने का मेडिसिन देते हैं, ये क्या सही है? कोलेस्ट्रॉल का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी से। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में इनिशिएट की गई थी, और इट वो एक बड़ी मल्टी सेंटर स्टडी थी जिसमें कई लाखों मरीजों को पूल किया गया था, उनके सारे रिस्क फैक्टर्स को असेस किया गया था। कारण ये था कि उसी समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब विश्व विजेता बन के उभरे थे, वो हार्ट की बीमारियों से उनकी मृत्यु हुई थी। व्हेन ही डाइड हिज ब्लड प्रेशर वॉज 300/100 मिलीमीटर्स ऑफ एजी। ही डाइड ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ही हैड हार्ट फेलियर। और उस समय हर 3 में से 1 अमेरिकन को हार्ट की बीमारियां हो रही थी और वो जल्दी मर रहे थे। चीज़ को समझने के लिए बड़ी एक पैनल बैठी और उन्होंने एक बड़ी स्टडी लॉन्च करी। उस स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है उनको हार्ट अटैक होने की रिस्क ज़्यादा रहती है, और उस समय से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की जो मेडिसिन है उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च बढ़ गई। ये बात सही है कि उन मेडिसिन ने काफ़ी हेल्प किया। कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन का जो बेसिक मापदंड है ये समझने का कि वो बराबर काम कर रही है या नहीं, वो है ब्लड से लिया हुआ सैंपल की लिपिड प्रोफाइल। बट कई सारी स्टडीज़ हैं जिनसे ये पता चला है कि जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की मेडिसिन हैं वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के अलावा भी हार्ट के ऊपर बेनिफिशियल एस्पेक्ट करती हैं जो आम तौर पर नहीं मापा जा सकता। इसीलिए वे हार्ट अटैक के मरीज़ जिनको हार्ट की बीमारियाँ हो गई हैं या जिनको होने की रिस्क है, उन लोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने की दवाएं दी जाती है। वो क्लास ऑफ मेडिसिन सिर्फ ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करती, उनके कुछ दूसरे फायदे रहते हैं इसलिए उन्हें दिया जाता है। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा, जैसे मैं अभी बताया, कि हर व्यक्ति अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की मेडिसिन खाएगा और ये सोचेगा कि उसे जीवन में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, तो ये सोचना एकदम गलत है। इनफैक्ट फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी में भी 50% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल पीक लेवल से कम था, तो मतलब 50% लोग जिनको हार्ट अटैक नहीं हो रहे थे या जिनको हार्ट अटैक होने की रिस्क नहीं थी उनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल जैसा था। सो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। ओके, थैंक यू डॉक्टर व्यास। सो व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट वी नीड टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, वी कैन हैव एस्पिरिन, बट ऑल थिंग्स वी नीड टू टेक विद द गाइडेंस ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। दैट्स द इंपॉर्टेंट मैसेज वी हैव। सो वी हैव द मींस एंड द मेडिसिंस, बट डॉक्टर्स गाइडेंस इज वेरी, वी शुड नॉट बी ओवर द काउंटर। एग्जैक्टली। Thank you, Dr. Vyas. We'll definitely come back to with the panel discussion where we'll have more questions to discuss. Okay. So we have come to the end of the first part of the program, but don't go away, because after a little break, we'll come back with the panel discussion where we'll have all the 6 cardiologists together. We'll have the questions for them, and we'll also take the question from the audience. Thank you very much. In the meantime, we have a video for you which you can watch.